देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,000 के पार, 1694 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा की जानकारी, कोविड 19 से देश में रिकवरी रेट 27.52%, पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, देश में पिछले 24 घंटे में 2593 नए मामले आए सामने, इलाज के बाद 1074 हुए रिकवर। यूपी में कोरोना वायरस पर अध्यादेश हुआ पास, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल की सजा और 10,000 से 1,00,000 तक का लग सकता है जुर्माना। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, अस्पताल से भागने पर 1 साल से 3 साल तक की सजा का हुआ ऐलान, 10,000 से 1,00,000 तक का देना पड़ सकता है जुर्माना। कोरोना वायरस के बीच भी सियासी खेल जारी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सवाल, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार। योगी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, शराब भी हुई महंगी, पेट्रोल 2 रुपए तो डीजल 1 रुपए हुआ महंगा, शराब की कीमत में 30 रुपए तक का किया गया इजाफा। दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस से हुई पहली मौत, भारत नगर थाने में तैनात कांस्टेबल ने गवाई देश सेवा में अपनी जान। बीएसएफ पर बरपा कोरोना का कहर, बीएसएफ में कोरोना के 85 नए मामले आए सामने, संक्रमितों की संख्या 154 हुई। मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच ने कसा शिकंजा, बेटे से 2 घंटे तक की गई पूछताछ, इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने सईद से ऐसे करीब 20 लोगों की डिटेल्स मांगी जो मरकज में आने जाने वाले लोगों और वहां की पूरी व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी रियाज नायकू हुआ ढेर, हिजबुल कमांडर नायकू के साथ छिपा दूसरा आतंकी भी हुआ ढेर। आतंकी रियाज नायकू की मौत के बाद अवंतीपुरा में हुई पत्थरबाजी, समर्थन में उतरे लोग, हालात पर पाया गया काबू, केंद्र गृह मंत्रालय की अवंतीपुरा सहित पूरे कश्मीर पर कड़ी नजर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।